कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टोनी, जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर ना जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर, इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता, इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। माँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है, चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे ये तो गुलाब का फूल लग रहा है, इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस गुलाब के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई भी रहे, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी तू पागल हो गई है क्या, इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी, चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी मुझे नींद आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कंबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है, और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बच्चियां तो सो गईं, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस घर के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस गुलाब में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे मेरे इस घर के अंदर, जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ जो करना ही कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे, ये लो मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगते है। सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी, इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह दो दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन के इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लग रही होगी। लेकिन माँ बाहर बहुत तेज
पर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेकर अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टोनी चिड़िया किसी तरह सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। सुंदर काका, अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा मेरी खाली दुकान? मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ा बहुत बचा है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टुनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मी, भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी रो रही है और भूखी है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे ओ टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तो इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है? हरी बहन, ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। सोच, इतनी बारिश में तू कहाँ से खाने के इंतजाम करेगी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊँ चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टोनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू आज अंडा देने वाली है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, वो देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्या कह रही है बहू? तो घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टोनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उससे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू, तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है। फिर टोनी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी देवर और देवरानी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उससे कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से नफरत करने लगा था। एक दिन कालू कौए का दोस्त टुन्नू चिड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई कालू, बाप बनने की खुशखबरी कब दे रहे हो? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा लगता है तुझ में तो बाप बनने की ताकत ही नहीं है। अपनी दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कालू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सीधा शराब की दुकान पर जाता है और शराब पीकर नशे में धुत अपने घर आता है। ये क्या है जी, आज आप शराब पीकर घर आए हैं? कब से आपने शराब पीना शुरू कर दिया? ये शराब हमारी खुशियों में आग लगा देगी। चल हट तू कुलचनी, अपने कमाई के पैसों की पी रहा हूँ, तुझे इससे क्या? और तू किस खुशी की बात कर रही है? आज तक तूने मुझे कौन सी खुशी दे दी है? शादी के 5 साल हो गए, तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसका तुझे अंदाजा भी है? तू बांझ है बांझ। इतना कहकर कालू कौआ वहीं बिस्तर पर सो जाता है। अपने पति की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। Oh, my God.
उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आज भैया आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं टूनी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शादी कितने साल हो गए लेकिन अभी तक मैंने कोई संतान का सुख नहीं दे पाई। तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती है। बच्चा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। टुनटुनी भाभी आप चिंता मत करिए, देवी माँ ने चाहा तो आप जरूर माँ बनेंगी। तुझे पता है टूनी, आज से इन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चुड़िया टुनटुनी के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है। भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब इस आंगन में तेरे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो रुक, मैं तेरा मुंह अभी मीठा कराती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे ये बात बताती है। सुनो जी, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। क्या कहा तूने, फिर से तो कहना। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं नहीं टूनी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही कालू आग बबूला हो जाता है। कर्म जली, मुझे पहले ही पता था तू कभी माँ नहीं बन सकती। रुक मैं तेरी चमड़ी अभी उधेड़ता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है और कालू के हाथ से डंडा छीन कर फेंक देती है। आप ये क्या कह रहे हैं भैया, आप भाभी को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह आप शोर मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाभी चलिए आप यहाँ से। टूनी चिड़िया उसे कमरे में ले जाती है। भाभी मेरी बात तो मानिए, आप देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दीजिए, देवी माँ जरूर आपकी सूनी गोद भरेंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया देवी माँ की पूजा करना शुरू कर देती है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है और देवी माँ की कृपा से टुनटुनी चिड़िया माँ बन जाती है। देवी माँ आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे टूटते हुए घर को बचा लिया। आपकी कृपा से आज मेरी सूनी गोद भर गई और अब से मेरा घर भी बच्चे की किलकारियों से भर जाएगा। बच्चे को पाकर कालू कौवा भी खुश हो जाता है। वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी गलती की माफ़ी टुनटुनी चिड़िया से मांगता है। टुनटुनी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ़ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।